नंबर्स। ओके, लास्ट वीडियो में हमने फाइव टॉपिक कवर किए थे, फाइव एंड सिक्स डिजिट नंबर्स, नंबर नेम, एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ग्रुपिंग। ओके, तो आगे के हमारे आज के वीडियो के टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन करनी है विच इज द स्मॉलर नंबर, विच इज द ग्रेटर नंबर। ओके, हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू रख के भी कंपैरिजन करते थे, तो उस हिसाब से आप कंपैरिजन करोगे तो फिर वो नंबर को आप अरेंज कर पाओगे। तो अरेंज करने के लिए हमारे पास मैथ्स में दो टॉपिक है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आप लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, आपको ऐसा शायद समझाया होगा। ए से स्टार्ट होता है तो स्मॉलर नंबर पहले आता है। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट वन तक ऐसे हम जाते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर से स्लोप डाउन करवाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर तक, तो इट्स कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्सेसर एंड प्रेडिसर। व्हाट इज कॉल्ड सक्सेसर एंड व्हाट इज कॉल्ड प्रेडिसर, ये नाम नए हैं बट आप लोगों का कंसेप्ट वही है। जब आप लोग बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर रखते थे वही कंसेप्ट है। बिफोर नंबर मतलब प्रेडिसर एंड आफ्टर नंबर मतलब सक्सेसर। चलो, अब तक आप थर्ड स्टैंडर्ड में फोर डिजिट तक के नंबर करते रहे, दैट यू नो लास्ट वीडियो में समझाया था। अब हम फाइव डिजिट और सिक्स डिजिट वाले नंबर्स मतलब बड़े नंबर्स को कंपेरिजन करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे, उसका सक्सेसर और प्रेडिसर भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू टू नंबर्स। मैं आप लोगों को दो नंबर्स दे रही हूँ। चलो, फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड नंबर इज। ओके, अब आपको पता चलेगा ये दोनों नंबर की कंपैरिजन करिए। मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन दिस, ये दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो या तो फिर कुछ आपको और क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ लेस देन, ग्रेटर देन और सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन बिटवीन टू नंबर्स। तो चलो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करना है जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसके डिजिट चेक करने हैं, दोनों इक्वल डिजिट के हैं। चलो काम करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कितने डिजिट का नंबर है, सिक्स डिजिट का। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कितने डिजिट का नंबर है, सिक्स। ओके, दोनों इक्वल डिजिट के हैं, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू का वन बाय वन चेक कर रहे हैं। ओके, आप लोगों को पता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लाख। ओके, तो लास्ट में हमारा फर्स्ट डिजिट है लाख की प्लेस करके बताना है, इसकी वैल्यू होती है वन लाख। इसका यदि हम नंबर नेम भी बोलेंगे तो आपको पता चलेगा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी नाइन। ओके, तो ये वन लाख है और ये है नाइन लाख। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा वन लाख वाला बड़ा नंबर है या 9 लाख वाला। ओके, विच इज द स्मॉलेस्ट वन, दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये तो उसके ऊपर आप टिक कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछा था आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन, और आप लोगों को पता है बड़े नंबर के साइड पे बड़ा अमाउंट मिलना चाहिए, तो विच वन इज बिगेस्ट। ओके, सो यहां से इस तरह ये कौन सा साइन बनी, लेस देन साइन। ओके, सेकंड सेकंड एक चेक करते हैं नंबर, सबसे पहले करना है डिजिट चेक करने, इतने डिजिट का नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, सबसे पहले आप नंबर काउंटिंग सीखे हैं तो वन डिजिट, सिंगल डिजिट, फिर टू डिजिट वाले, उसके बाद थ्री डिजिट वाले, उससे बड़े नंबर फोर डिजिट वाले, वैसे आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे फाइव डिजिट है और यहाँ पे सिक्स डिजिट।
That means
626। अब बाकी के दो से दोनों ही 576 दोनों की फर्स्ट फर्स्ट 8 8 4 4। हियर इज 1, हियर इज 9। तो ये 100 की प्लेस पे 1 है, ये स्मॉलर हो गया। इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड एंड लास्ट वन 84950। ओके, अब उसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे 84950। ये बड़ा है तो हियर वी हैव टू पुट ग्रेटर देन साइन। ओके, ग्रेटर देन 61696 एंड ग्रेटर देन 42846। ओके, नाउ वी हैव अनदर फोर नंबर एंड लेट्स अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। चलो इसे काम करते हैं। 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट एंड 5 डिजिट। सबसे पहले 2, सभी में फर्स्ट डिजिट 2 है। सेकंड डिजिट कंपेयर करते हैं 6 8 1 एंड 3। ऑफ कोर्स 1 वाला छोटा है, सबसे पहले लिख लीजिए 21368। अब बाकी के 3 डिजिट में थर्ड डिजिट कंपेयर कर रहे थे, उसमें सेकंड डिजिट कंपेयर कर रहे थे उसमें 683। सो हियर इज 23168। नेक्स्ट 96831 और उससे बड़ा है 28631। अब उसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं 28631, 26831, 21368। Hope you understand how to arrange ascending order and descending order. Okay? सबसे पहले तो नंबर कंपेरिजन करनी है, which is the smallest and which is the biggest, या कौन किससे बड़ा है। फिर उसको ascending order या descending order में आपको अरेंज करना है। ओके, ascending order को increasing order भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। सो शायद आपको क्वेश्चन में पूछा जाए अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको याद रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, और यदि आपको पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको सीढ़ी ऊपर चढ़नी है, दैट मीन्स इंक्रीज करते जाना है, तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ओके, ये दोनों सिमिलर वर्ड है, इंक्रीजिंग मीन्स असेंडिंग एंड डिक्रीजिंग मीन्स डिसेंडिंग, ये आपको याद रखना है। सो दो टॉपिक आज के हमने कंप्लीट किए, अब नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिसर। लेट्स अंडरस्टूड व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रेडिसर। नाउ वी हैव सम नंबर्स, we have to find the predecessor of this number and successor of this number. Let's see, आप लोगों ने before number and after number सीखे थे, okay? तो वही concept को याद करना है। before मतलब उसके पहले, हम counting करते हैं तो पहले कौन सा number आता है, it's called before number, उसका similar name है predecessor. Predecessor means इसके आगे वाला number, मतलब उसके पहले जो counting में आता है वो। वैसे 1 के 100 1 से 100 हो तो आपको पता चल जाएगा कि 4 से पहले कौन सा आएगा, तो 4 बिफोर 3 है ना, 4 आफ्टर 5। बट ये बिगर नंबर है तो आपको ध्यान से समझने हैं। यदि आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर में, तो एक कंसेप्ट याद रखना है, प्रीडिसर के लिए जो आपको नंबर दिया जाता है उसमें से 1 माइनस करना है। क्या करना है, 1 माइनस करना है, मतलब हमारे पास
ये 15 का सक्सेसर, 15 आफ्टर क्या आता है 60, सो उसका सक्सेसर बन जाएगा 23,660। ओके चलो नेक्स्ट 177, तो आगे वाले नंबर्स को सेम 343,000, उसके परफेक्ट आगे 37 बनेगा 176 और 77 आफ्टर 78, सो सक्सेसर बनेगा 343,178। ओके याद करना जो है उसके बाद का नंबर एक हो तो आगे वाला डिजिट भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक नंबर है, हमको उसमें से ये तो समझने के लिए कि इसके बाद वाला और इसके आगे वाला, बट नंबर तो पूरा ही लिखना है, जैसे कि 343,000 में से पूरा नंबर लिखना है। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव जीरो, और जीरो से पहले क्या आता है 9, जीरो मतलब 80, 80 से पहले क्या आता है 79, सो वी हैव टू राइट 9,80,179, 70, 80 से पहले 79। ओके अब 80 के बाद सो 180,181। ओके नाउ नेक्स्ट 69 बिफोर 68, बट आगे के डिजिट्स कितने हैं, सो 53,168 एंड द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर 53,170। ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट टू डिजिट है 30 बिफोर 29। ओके बट उसके आगे वाले डिजिट को सेम टू सेम लिखने ही है, सो 1,21,231, तो उसका सक्सेसर बन गया। चलो 68 बिफोर 67, उसके आगे वाला डिजिट सेम, सो नंबर इज 27,167 एंड 68 आफ्टर 69, सो सक्सेसर इज 27,169।9 plus 1 10, 1 carry over, 9 plus 1 10, 1 carry over,
हमने सीखे थ्री कंसेप्ट, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स एंड सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ दिस नंबर्स। होप यू अंडरस्टैंड। इसी तीन टॉपिक के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस या वर्कशीट्स में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम लाइव क्लास में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।